दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जहाँ पर हमारे कुछ यूजर्स को MyBSNL ऐप में रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको MyBSNL ऐप को किस तरह से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसमें रजिस्टर करना है और कौन कौन से फीचर हमें MyBSNL ऐप में देखने को मिलते हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको MyBSNL ऐप से रिलेटेड कोई दूसरी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर MyBSNL ऐप को सर्च करना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप MyBSNL ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में MyBSNL ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने उसे अनइंस्टॉल करके मैं दोबारा से अपने मोबाइल में MyBSNL ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। अगर आप ऑलरेडी BSNL ऐप पे अकाउंट बना रखा है तो यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और यूज़र पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पर जाकर पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पहला नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है और अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना एक यूज़र पासवर्ड सेट करना है, उसको रीवेरीफाई करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP वेरीफाई करने के बाद आप सक्सेसफुली इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन बुक कर सकते हैं और आपके स्टेट में कौन से ट्रेंडिंग प्लान चल रहे हैं फाइबर के, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बिहार सेलेक्ट किया है, तो बिहार में BSNL के जितने भी फाइबर प्लान चल रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा इस ऐप के ज़रिए आप अपने बिल भी चेकआउट कर सकते हैं और बिल का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही आपका प्लान जो भी चल रहा है उस प्लान को आप अपग्रेड करवा सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी BSNL का लैंडलाइन या फिर DSL बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे फाइबर बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन में कन्वर्ट भी यहाँ से करवा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स में, आपको अपना अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लेना है। आप जो भी फाइबर कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका STD कोड डालना है और उसका टेलीफोन नंबर आपको डाल लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका लेटेस्ट बिल कितना पेंडिंग है वो दिख जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका डेट कब एक्टिव हुआ है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों BSNL का अभी 15 सितंबर तक एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें अगर आपका प्लान 449, 499, 599 और 666 का प्लान है और अगर आपका लाइन एक्टिव है तो आप 10 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 100 MBPS तक की अपलोड और डाउनलोड स्पीड इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले अपना अकाउंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको ऐड करके बताया है। इसके बाद ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा जिसमें आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी लाइन को फ्री ऑफ कॉस्ट 10 दिनों के लिए 100 MBPS की लाइन पे अपग्रेड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको वो ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे कोई पॉपअप मैसेज नहीं आता है, तो आप वापस यहाँ पे जो होम बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करिए और कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो पॉपअप है अपग्रेड करने का 100 MBPS पे 10 दिनों के लिए, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपको तभी देखने के लिए मिलेगा अगर आपका प्लान जो है, मैंने जो चार प्लान बताए हैं 449, 499, 599, 666 ये यूज़ कर रहे हैं, साथ ही आपका प्लान अगर एक्टिव है तभी आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप सेंड OTP करिए, OTP करने के बाद आप उस OTP को वेरीफाई करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करने के बाद आप 10 दिनों के लिए 100 MBPS की स्पीड इन्जॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था MyBSNL ऐप, जिसमें जाकर आप अपने बिल को चेकआउट कर सकते हैं, अपने बिल को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अपने प्लान को अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर आप लैंडलाइन TDSL बेस्ड ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसे फाइबर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कोई कंप्लेंट है तो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको इस ऐप के ज़रिए इस्तेमाल करने के लिए मिल जाती है। एक बार लॉगिन करने के बाद आप इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने जो लैंडलाइन कनेक्शन या जो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है उसे ईजिली इस ऐप के ज़रिए मैनेज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन MyBSNL ऐप से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।